जय हिंद दोस्तों। पड़ोसी इस्लामिक देश बांग्लादेश में तख्तापलट हो गया है। पीएम शेख हसीना देश छोड़कर जा चुकी हैं। पीओ पर लोगों ने कब्जा कर लिया है। कुछ समय पहले अफगानिस्तान में भी तख्तापलट के बाद आतंकी संगठन तालिबान ने सत्ता पर कब्जा कर लिया था। पाकिस्तान में 1947 के बाद कई बार तख्तापलट हो चुका है। आखिर इन इस्लामिक देशों में ऐसे तख्तापलट का क्या कारण हो सकता है, और हिंदू बाहुल भारत में ऐसा कभी क्यों नहीं हुआ? इसका जवाब भारत के बुद्धिजीवियों को ढूंढना चाहिए। बांग्लादेश में इस तथाकथित छात्र आंदोलन की आड़ में हिंदुओं को मारा जा रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, और भारत का सेकुलर गैंग इसे तानाशाही का अंत और लोकतंत्र की जीत बताने में लगा पड़ा है। अब हम इन तस्वीरों से भारत के सेकुलर गैंग और बांग्लादेश के आंदोलन को समझने का प्रयास करेंगे। महबूबा मुफ्ती की लड़की इल्तिजा मुफ्ती ने एक ट्वीट किया और उसने कहा कि भारत के जो प्रधानमंत्री का आवास है, क्या वहां पर भी स्विमिंग पूल है? दरअसल बांग्लादेश के जो प्रदर्शनकारी थे, प्रधानमंत्री शेख हसीना के आवास पर कब्जा करने के बाद उसके स्विमिंग पूल में तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ये लोग चाहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री के आवास पर भी ऐसे लोग घुस आए, भारत के प्रधानमंत्री के आवास पर भी लूटपाट शुरू हो जाए। ये लोग मोदी विरोध में इतने अंधे हो गए हैं कि भारत में भी इस तरह की हिंसा से इन्हें अब कोई भी दिक्कत नहीं है। इनका केवल एक ही उद्देश्य है, वो है मोदी को सत्ता से हटाना। अब इस ट्वीट को देखिए। बांग्लादेश में दलित हिंदुओं के साथ हिंसा की खबर 95% फेक न्यूज है। ये फोटो देखिए, ये बांग्लादेश के अखबार की फोटो है। ये बांग्लादेश का अखबार स्वयं बता रहा है कि हिंदुओं को वहां पर मारा जा रहा है, मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है। लेकिन भारत का ये हिंदू, भारत का ये सो कॉल्ड जो मोदी से नफरत करने वाला हिंदू है, वो कह रहा है कि वहां पर हिंदुओं के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो रहा है, उनके साथ किसी प्रकार की मारकाट नहीं हो रही है। इनको देखिए, अभिनव पांडे, ये लल्लन टॉप में काम करते हैं। इनको लग रहा है कि जनता की जीत है और तानाशाही सरकार को हटा दिया गया है। अब आप इस वीडियो को देखिए, ये जो मूर्ति तोड़ी जा रही है, ये बांग्लादेश के फाउंडर संस्थापक मुजीबुर रहमान की है। अब यदि ऐसा ही भारत में हो कि भारत में यदि इसी प्रकार की हिंसा होती है कहीं, और कुछ लोग महात्मा गांधी की मूर्ति को तोड़ देते हैं, तो क्या यही लोग उसको सही बताएंगे? यदि बांग्लादेश के छात्रों को शेख हसीना से यदि कोई दिक्कत थी, उनके खिलाफ आंदोलन को करना था, लेकिन बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले उसके संस्थापक को उनकी मूर्ति को तोड़ने से इन्हें क्या मिलेगा? उधर क्लिप कटुआ ने भी दो तीन फोटो दिखाते हुए कहा है कि वहां का मुसलमान हिंदुओं की रक्षा कर रहा है और उनको बचा रहा है। लेकिन क्लिप कटुआ ये नहीं बता रहा है कि वहां का मुसलमान हिंदुओं को किससे बचा रहा है, और जो अब तक जितने लोग मारे गए हैं उनका क्या है। क्लिप कटुआ चाहता है कि जो 40 हिंदुओं की हत्या कर दी गई है उनकी बात नहीं की जाए, और जो 4 लोगों को बचा लिया गया, जिसे अलतकिया कहा जाता है, जो अपनी इमेज को बचाने के लिए किया जाता है, उनकी बात की जाए। यदि 40 लोग मारे गए हैं, 40 हिंदुओं की हत्या की गई है, तो उनकी बात क्यों नहीं की जाए? उधर रविश कुमार पांडे का कहना है कि जो शेख हसीना के घर पे उपद्रवियों ने लूटपाट की है, वो असल में लूट नहीं है, वो लोगों की शक्ति का एहसास है। मतलब आप किसी घर में लूटपाट करते हैं, उसके सामान चुरा कर ले जाते हैं, तो वो जनता की शक्ति का एहसास है। ये वही लोग हैं जो लोकतंत्र की बात करते हैं, ये वही लोग हैं जो लोगों के अधिकार की बात करते हैं, ये वही लोग हैं जो संविधान की बात करते हैं, ये वही लोग हैं जो कानून व्यवस्था की बात करते हैं। अब आप इस कांग्रेसी चमचे का ट्वीट देखिए। पिछले महीने जब शेख हसीना भारत आई थी, तो उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। इस कांग्रेसी चमचे ने उसे एक पारिवारिक मुलाकात कहा था। उसने कहा कि शेख हसीना सोनिया गांधी से ऐसे मिल रही है जैसे कोई परिवार का सदस्य हो। अब आप इसके कल के ट्वीट को देखिए। इसने नरेंद्र मोदी और शेख हसीना की फोटो के साथ एक ट्वीट किया, जिसमें इसने मोदी विरोध में बातें कही। यानी कल तक जो शेख हसीना परिवार की मेंबर थी, आज वह शेख हसीना डिक्टेटर हो गई। चलिए, ये तो रही भारत के सेकुलर गैंग की बात। अब आपको कुछ और इमेज वहां की दिखा रहे हैं कि वहां पर लूटपाट के बाद क्या क्या लूटा गया है। अब आप इस तस्वीर को देखिए, ये जो बांग्लादेश का प्रदर्शनकारी है, शेख हसीना के घर में लूटपाट की जाती है और उनके अंतर वस्त्र को चुराया जाता है। अब आप समझिए, इसको छात्र आंदोलन कहा जा रहा है।
एक छात्र एक वयोवृद्ध महिला का अंतवस्त्र चुराकर उसे लहरा रहा है, और भारत का सेकुलर गैंग इसे छात्रों की जीत बता रहा है, डेमोक्रेटिक बता रहा है। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि भारत का जो विपक्ष है वो भारत में भी इस तरह की हिंसा कराना चाहता है, वो किसी भी कीमत पर नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने के लिए कुछ भी कर सकता है। भारत के विपक्ष द्वारा लगातार जाति के नाम पर लोगों को, हिंदुओं को भड़काया जा रहा है, उन्हें तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अब आप देखेंगे बांग्लादेश में जिस तरह से शेख हसीना का तख्तापलट हुआ है, लोगों ने जिस तरह से वहां पर उग्र प्रदर्शन किया है, उसके बाद भारत का जो विपक्ष है इसी प्रकार के कुछ हथकंडे अपना सकता है, इसी प्रकार की कुछ हिंसाएं भारत में आपको देखने को मिल सकती हैं। तो मुझे लगता है भारत सरकार को इस पर कड़ी नजर रखनी चाहिए, भारत के जो विपक्ष है उन्हें हटाने के लिए कुछ भी कर सकता है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।